सुजानगढ़ जाने के लिए रितेश पांडे जी तैयार बैठे हैं और अक्षरा जी उनके साथ जा रही हैं। मैं खुद रितेश पांडे से जानने की कोशिश करूंगा कि भैया सुजानगढ़ कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। मैंने सुना है रितेश भाई सुजानगढ़ जा रहे हो। जी सुजानगढ़ हम लोग जा रहे हैं नवरात्रि के बाद। अच्छा मतलब क्या है असल में सुजानगढ़, कोई जगह है या फिर कोई फिल्म है, क्या है जरा बता दीजिए। वो सुजानगढ़ है हमारे राइटर अनिल विश्वकर्मा जी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप नहीं चल रहे हो मेरे साथ? जी नहीं, आप पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे। आप नहीं जा रही इनके साथ सुजानगढ़? जाऊंगी। अच्छा अपनी मर्जी से जा रही है, जबरदस्ती ले जा रहे हैं? नहीं नहीं अपनी मर्जी से जाऊंगी। अच्छा, अपनी मर्जी से जा रही है। नहीं सर ये जरा सुजानगढ़ के बारे में बता दीजिए मुझे। सुजानगढ़ जाएंगे तो कौन लेके जाएगा, कौन गाड़ी चलाएगा, पीछे कौन बैठेगा? सुजानगढ़ में हमारे ड्राइवर है चंदन सिंह जी। अच्छा और इन्हीं के हाथ में पूरा, मतलब ड्राइवर का मतलब एज इट इज आप डायरेक्टर समझ लीजिए। अगर ये शिप है, अगर ये जहाज है तो उसके अगर ये जहाज है तो उसके कैप्टन है। और हम लोग क्या है, हम लोग को क्या कहेंगे? अगर सवारी बोलेंगे, सवारी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप ही बताइए। मैं आपको रितेश पांडे कहूंगा और इनको अक्षरा जी कहूंगा। अक्षरा जी जरा बताइए सुजानगढ़ के बारे में, नई फिल्म और असल में दूसरी फिल्म रितेश पांडे के साथ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत अलग सब्जेक्ट लेके डायरेक्टर आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छी चलेगी। अच्छा जो नाम है ना सुजानगढ़, भानगढ़ का किला, सुजानगढ़ का खंडहर, ऐसा लगता है कुछ भूत प्रेत वाली कहानी होगी, ऐसा रहस्य जैसा कुछ लगता है? कुछ नहीं है हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है और अच्छा रियल स्टोरी पे बेस्ड कहानी, मतलब असल घटनाओं पर आधारित भोजपुरी फिल्म सुजानगढ़ होगी। जी रियल घटना यह है कि मैं आपको इतना क्लू दूंगा कि ये आज से 450 साल पहले की घटना है, जिसको हम लोग एक नए तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पब्लिक के सामने। अच्छा जी। अच्छा राजकुमार, राजा राजकुमार जो शूट हुई थी वो फिल्म शूट हो गई थी, अब ये दूसरी फिल्म आई है, कैसे ये पता चला अक्षरा जी आपको, किसने बताया कि भैया एक बार फिर से रितेश पांडे के साथ फिल्म करनी है? ये मुझे पता नहीं था, अचानक से हमारे डायरेक्टर की सोच थी। हम लोग एक्चुअली मेरी इनके साथ पहली फिल्म होगी, बट काफ़ी समय से पेंडिंग रह गया था हम लोगों को 4 साल से साथ में काम करने का, तो इनका सजेशन था कि अक्षरा जी को लेते हैं। ये खबर है कि 4 साल से ये फिल्म आपको ऑफर थी लेकिन आपने नहीं की थी, अब 4 साल बाद आप ये फिल्म ऑफर की, अब आप कर रहे हो तो भैया 4 साल तक क्यों नहीं की? ये बेचारे आखिर इनमें इतने सीधे शरीफ आदमी हैं, 4 साल पहले कर लेती, हम लोग ये फिल्म पहले देख लेते, कोई हीरो नहीं मिल रहे थे ना। मतलब अगर रितेश पांडे 4 साल बाद हीरो मिले इसके लिए फिल्म कर ली। अच्छा ये भी खबर है, न्यूज पर न्यूज है, ये भी खबर है। मैं डायरेक्टर साहब से भी पूछ लेता हूँ, सुजानगढ़ जो फिल्म है ये कब आप शुरू कर रहे हो? दुर्गा पूजा दशहरा बाद। अच्छा ये जोड़ी कैसे आपके ख्याल में है? एक फिल्म राजा राजकुमार कर रहे थे, इसके पहले तो कोई फिल्म की नहीं थी, इसके पहले तो पवन जी के साथ फिल्में करती थी अक्षरा जी। इससे पहले भी मैं एक फिल्म कर रहा था, फिल्म का नाम है किसमें कितना दम, जिसका ट्रेलर आ चुका है। अच्छा कुश्ती पर आधारित थी क्या? नहीं कुश्ती पे नहीं है, अपने अपने ताकत दिखाना था। हाँ तो मैंने उस फिल्म में भी प्रोड्यूसर को सजेस्ट किया था कि मुझे अक्षरा जी चाहिए, आप अक्षरा जी को ले लीजिए, राजा राजकुमार से पहले की बात है वो, तो प्रोड्यूसर मतलब नहीं हो पाया सक्षम और बहुत सारे कारण था, तो फिर मैं सोचा कि करते हैं। फिर मैंने इस प्रोड्यूसर को विक्की जी को अपने बताया, अविनाश जी को, कि ऐसा ऐसा है, ये कहानी है और इस कहानी में यही करेक्टर फिट आएंगे, मुझे वही चाहिए, तो ये उठा के दे दिए, लीजिए आप बनाइए अच्छी फिल्म। अविनाश जी अच्छा अच्छा काम किया आपने, ये जोड़ी रिपीट की, आपको आपको पता था कि ये जोड़ी चल सकती है या फिर इन पे भरोसा क्यों जताया आपने? इन पे पूरा विश्वास हम लोग का था कि ये लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं और काफ़ी हद तक बढ़िया होगा, सब कुछ होगा। अच्छा आपको ये कैसे पता चला कि ये लोग काफ़ी आगे जा रहे हैं? आपसे पता चलते रहता है ना न्यूज से, न्यूज में आते रहता है ना, आप देते रहते हैं ये लोग बहुत आगे जा रहे हैं, तो ये लोग तो मंदिर गए थे ना, आगे गए थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मंदिर गए थे रितेश मंदिर गए थे जरा, और फोटो भी क्लिक करके डाल दी थी, किसी ने डाली होगी? जी मंदिर जाना मैंने खुद से लिया था सेल्फी, और मैं बचपन से जाता हूँ भगवान के मंदिर के दर्शन करने और फोटो क्लिक करके अक्षरा सिंह के साथ डालते हो? हाँ बेशक, पहली फिल्म थी हमारी तो फोटो तो लाजमी है ना लेना। मैं बचपन से जाता रहता हूँ माँ विंध्यवासिनी के, अक्षरा सिंह के साथ मंदिर।
आप सुनेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा। चलिए कहिए कहिए। मैं बचपन से जाता हूँ माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में, और हमारी खुशनसीबी ये थी कि हम लोग विंध्याचल में ही शूट कर रहे थे। अक्षरा जी पहुँची तो मैंने इनसे बोला कि चलिए दर्शन करने चलते हैं। साथ ही हम दोनों ही सिर्फ नहीं थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, प्रोडक्शन वाले भी थे, सबको ही थे। आपने पूरी फोटो नहीं देखी इसकी? देखी फोटो, देखी बोले फोटो देखी, लेकिन चलती कहानी हीरो हीरोइन पे ही है जो भी हो। अच्छा तो माता जी से भी मिलाने लेके गए थे अक्षरा सिंह को? असल में हम लोग बनारस गए थे कांवर गीत की डबिंग करने के लिए, तो माई का हमारे फोन आया कि अगर आयल बड़ा जा बनारस तो 2 मिनट घरे मिल के जा लो। तो हमने ये गए रही जा घरे माई से मिल के फिर शूटिंग को निकल गए। और उसके बाद आपको पता कितनी सारी खबरें वायरल हो गई थी? लोगों तो का काम कहना क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मतलब लोग कुछ भी कहें फर्क नहीं पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है सर, अपनी जिंदगी है, मतलब फर्क पड़ता है बट अपनी जिंदगी है और जिंदगी को अपने जीने का हक सबको है। और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है करना। अच्छा ये जोड़ी और भी फिल्मों में आगे, और भी फिल्में ऑफर होती हैं जब जोड़ी चल रही है और लोग पसंद कर रहे हैं, जैसा राजा राजकुमार का काम देख के शायद आप लोगों की फिल्म आई होगी, और भी ऑफर हो रही है फिल्में रितेश पांडे के साथ अक्षरा जी? जी एक दो फोन तो आया था बट लेट्स सी, अगर अच्छा स्क्रिप्ट रहा तो जरूर करूंगी। अच्छा मलेशिया के बारे में थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, बड़ा इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल जो हुआ अवार्ड्स हुए उसमें भी बड़ा धमाल हुआ, कुछ बताना चाहते हैं रितेश पांडे जी? जी मैं बहुत खुश हूँ, मलेशिया में अवार्ड हुआ और मुझे अपकमिंग स्टार का अवार्ड दिया गया वहाँ पे, हमने परफॉर्म भी किया वहाँ पे, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दुलार मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सारी भोजपुरी पब्लिक को और जो भी हमारे डिशुम टीवी और अभय सिन्हा जी को खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने एक साथ गाना भी किया था, गाना सॉन्ग जो कि बड़ा हिट हुआ, बहुत सुना। आप जो दूसरा गाना जब हम गए थे रिकॉर्ड, आप जो जिस पे आप परफॉर्म कर रहे थे, जिसे शूट कर रहे थे, वो भी ड्यूएट था, तो गाते आप दोनों बहुत बेहतरीन हैं, थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे हमारे? क्यों नहीं, शुरुआत जी शुरुआत करेंगे। धतुरा के होके पागल बनावे भंगियो कर लछती, धतुरा के होके पागल बनावे मंगियो कर लछती, पर बहती बोली भोला जी, पर बहती तोहरो महाराई गायल माती, पर बहती तोहरो महाराई गायल माती। जरा क्लैप देखिए, दिखाइए पीछे जरा, ये लोग ये देखिए, ये फिल्म रिलीज होने से पहले इतना सारा प्यार आप लोगों को मिल रहा है रितेश जी, फिल्म रिलीज होने के बाद क्या होगा? वही है वही जो राम रुचि राखा। अच्छा। और मुझे पब्लिक का हम लोगों को बहुत ज्यादा प्यार दुलार हमारे भगवान स्वरूप की श्रोता लोग दर्शक लोग का मिलता है, बहुत बहुत कृतज्ञ है हम, और मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे अपने जनता जनार्दन का धन्यवाद दूं, बस रिक्वेस्ट यही है कि ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बना रहे। अच्छा जनता से जब आपने कहा तो मुझे याद आ गया 2019 में मैंने कल ही खबर पढ़ी थी कि कई सारे भोजपुरी स्टार सिलेक्शन लड़ने वाले हैं, आम्रपाली, निरहुआ, खेसारी लाल, पवन सिंह आरा से, आप लोग भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, हमने की खबर है आप रितेश पांडे नहीं लड़ रहे हैं? नहीं। क्यों भैया? क्योंकि अभी हम लोग कलाकार हैं, कलाकार का ना कोई जाति होता है ना कोई धर्म होता है, तो पार्टी अगर चुनाव लड़ने से मतलब चुनाव लड़ना है तो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा, और आजकल हमारे देश में ऐसा माहौल है कि कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे तो वो जाति विशेष लोग देखते हैं, तो मैं किसी का बटना नहीं चाहता हूँ, मैं सबका हूँ और सबका हो के रहना चाहता हूँ, इसलिए किसी में चुनाव उनाव के चक्कर में नहीं। अक्षरा जी आप इनका इनसे एक सवाल अलग से मैं पूछूंगा, आप इलेक्शन लड़ने वाले कौन से? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं सोचा है, मुझे ऐसा लगता है अभी अपना काम ही अच्छे ढंग से पूरे शिद्दत के साथ कर लूं, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा तो आप लोग तो फिल्म एक परिवार है, बाकी आर्टिस्ट को आप लोग सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए कैंपेन करने के लिए या वोट मांगने जाओगे आरा या फिर गोरखपुर या जहाँ पे? डेफिनेटली जाएंगे। चलिए मतलब जो बाकी स्टार्स लड़ रहे हैं उनके लिए प्रचार तो किया जा सकता है? वो हमारे अपने हमारे परिवार के सदस्य हैं तो उनका सपोर्ट तो बनता है।
चलिए एक जाते जाते जिस पगले को दिल से चाहा वो जरा सुनिए, सैड सॉन्ग बहुत अच्छा गाती हैं, तो अगर ये गा देंगे तो शायद हम भी इमोशनल हो जाएं। वो पगला आप ही है, ये लीजिए, ये बहुत बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर, थैंक यू सो मच। काश बस मेरी बीबी ये इंटरव्यू ना देखे, थोड़ा सा छोटा सा। और सर ये मेरी तरफ से, और आप ही इस फूल के साथ अच्छे लगते हैं सर, मेरा तो खैर काम है, तो जरा जिस पगले को दिल से चाहा वो जरा सुना दीजिए। ये जो आपने फूल ऐसे ऐसे ट्रांसफर किया है, कल का हेडलाइन ये होगा कि अक्षरा सिंह ने जरिया किसी को बना के रितेश पांडे को फूल दिया। ये खबर हो सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, चलाने वाले चला सकते हैं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी। अक्षरा सिंह ने फूल दिया कैमरे के सामने रितेश पांडे को, कह भी सकते हैं। कहाँ दिया ये, क्या हाथ में तो है आपके, क्या झूठ बोल रहे हो, जानबूझ के ऐसे ही इनका काम है। गाना सुन लेते हैं फिर फूल पे कल डिस्कस करेंगे, चलिए। जिस पगले को दिल से चाहा ना जाने क्यों मुंह मोड़ लिया, इस बच्चे दिल को बेदर्दी ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। वाह वाह वाह, आंखों में आंसू आंसू कुछ आए रितेश जी? नहीं आया, इमोशनल नहीं हुए? नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, जोक्स अपार्ट, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सुजानगढ़ जाओ और जबरदस्त हिट फिल्म बनाओ। मुझे पता है मेरे सबसे बड़े वेल विशर आप ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं हमेशा हूँ, और आप लोग अच्छा काम करेंगे तो जरूर, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट।